हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, कोष्टक दो का क्यूब भाग दो कोष्टक बंद प्लस √69 प्लस √144। दो का क्यूब दो की घात तीन माइनस दो की घात तीन माइनस एक, कोष्टक बंद प्लस √69 प्लस √144 का हो जाएगा 12। ये हो जाएगा दो की घात दो प्लस 69 प्लस 12 81। 81 का हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा दो दूनी चार प्लस 9 बराबर 9 चार 13। आगे देखें स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 53 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल इंटू 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 53 इंटू 54। तो ये हो जाएगा 1431 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखें स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन, एक बॉक्स में 80 डिटर्जेंट सोप थे जिनमें से 64 उपयोग कर लिए गए, अब कितने प्रतिशत डिटर्जेंट सोप बचे। तो 80 माइनस 64 बराबर 16, 16 बचे। तो 16 बटा पूरे कितने थे, 80 इंटू 100, 16 से 5 बार, 20 में 5 का भाग देंगे, 100 में 5 का भाग देंगे, 20%। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, 47 मीटर प्रति सेकंड से की गति से चल रही एक ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई। तो 47 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है एक सिग्नल को कितनी सेकंड में, 11 सेकंड में। 47 × 11 470 प्लस 47, 470 प्लस 47 527, 517 मीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन, राज्य स्तरीय के क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत भार 84 था, 11 × 84 840 प्लस 84, 840 में 840 में 84 जोड़ेंगे तो 840 60 8 924। उनमें से कोच को भी शामिल कर लिया जाता है तो कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे और उनका औसत भार 85, 1 kg बढ़ जाता है। तो 85 × 12 850 और 170, 0, 7 और 5, 12 का 2 हासिल की 1, 10, 1020। तो कोच का हो जाएगा 96 kg, 96 kg। आगे देखें स्टूडेंट्स, यदि किसी संख्या के 80% के 75%, तो 80 अक्ष का 80/100 का 75, 3/4 का 2/3 का 1/4 बराबर कितना है, 60/13। तो ये चला जाएगा 4 से, ये चला जाएगा 5 से, 4 से 4, 3 से 3, 2 से ये 2, 2 से 2, तो जाएगा अक्ष बराबर 60/13 × 10, अक्ष बराबर 60 130, 60130 उस संख्या के 40%। तो 60130 का 40% बटा 100, 0 से 0, 0 से 0 से 0, ये 0 से ये 0, 6013 को 4 से, 6 चौका 24052, 24052। आगे देखें स्टूडेंट सातवां क्वेश्चन, एक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने वाले सोमनी को 4 परीक्षाओं में औसत स्कोर
आवश्यकता 80 की थी, तो 4 × 80 8 चौक 32, 320। उन्हें तीन परीक्षाओं में कितने अंक मिले? 82, 92 और 67। 2 × 4 = 7, 7 × 4 = 11 का एक हासिल की 1, 9 × 10 = 10, 10 × 8 = 18, 18 × 6 = 24। 241 अंक मिले, तो कितने अंक मिले उसे? 320 - 241, उसे मिले 79 अंक। 34 सब्जेक्ट में उसे प्राप्त करना है। आगे देखें स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, √196 होता है 14 का, 182 में 14 जोड़ेंगे तो 196 फिर हो जाएगा 14 का, फिर 183 में से 14 माइनस करेंगे तो 169, ये हो जाएगा 13 का। 238 में से 13 माइनस करते हैं तो आता है 225, 225 होता है 15 का। आगे देखें स्टूडेंट्स, नौवां क्वेश्चन, यदि अक्ष बराबर 0.6555 तो हो जाएगा 0.65 के ऊपर बार, तो पूरी संख्या लिख लेंगे 65 पे, कितने कितने के बार ऊपर नहीं है, 6 के ऊपर बार नहीं है, बटा 9 और 0, तो ये हो जाएगा 65 में से 6 चला जाएगा तो 59/60, 59/90, 59/90। आगे देखें स्टूडेंट्स, कोई दुकानदार एक वस्तु को 235 में खरीदकर 188 में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितने में खरीद रहा है? 235 माइनस 188 में, तो कितने? 15, 15 में से 8 गया 7, इधर 12, 12 में से 8 गया 4, 47 रुपए का उसके छूट दे रहा है। 235 ऊपर चला जाएगा 100, ये इसे चला जाएगा 5 बार, तो 5 से ये चला जाएगा 20% की छूट। आगे देखें स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन, 51,200 को आप 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की जमा होने वाले कुल राशि कितनी है? तो 15% 51,200, 2 साल का 2 और 1, तो 51,200 का 15%, 51,200 का ये हो गया 100, और 15% निकालना है 20 से 20, 512 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 512 को 15 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12×5=60, 2560 × 512, 7680 का 15%, 7680/100 × 15%, 0 से 0, 5 × 10 = 15, 2 × 3 = 8, 4, 384 × 3, 3×12 का 2 हासिल की 1, 3×8 = 24, 1×25 का 5 हासिल की 2, 3×3 = 9, 9×2 = 11, 1152, तो कुल राशि हो जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8×16 का 6 हासिल की 1, 6×12 = 13, 13 का 3 हासिल की 1, 7×14 = 15, 15,360, तो 15,360 और 1152, 2, 6 और 5, 11 का 1 हासिल की 1, 4, 16,412। आगे देखें स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन, मार्कस रेस का पहला हिस्सा 380 किलोमीटर की गति से और दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा 320 की गति से और दूसरा हिस्सा 570 किलोमीटर की दूरी से तय करता है उसकी औसत गति, तो 2 × चालों का गुणनफल 380 × 570/, अक्ष और वाई, अक्ष का मान कितना है? 380 + 570, तो ये हो जाएगा 2 × 380 × 570 /
380 और 570 हो जाएगा 950, 950 1957 गुन्नी 595, 1995 पांच से चला जाएगा 5 7 35, 5 6 29 ये हो जाएगा 76 इंटू 6 हो जाएगा 456 किलोमीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, एक आयत की चौड़ाई 105 सेंटीमीटर और एक विकिरण 273 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप, तो एक आयत, आयत ऐसा होता है सब जानते हैं, तो आयत का विकिरण कितना है 273, ये हो जाएगा 273 और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 105, तो 273 का स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर, तो रूट 273 का स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर, तो हो जाएगा इसको इन दोनों को एक बार जोड़ एक बार बाकी, तो 273 और 105 378 इंटू बाकी करेंगे तो 168 है, बाकी करेंगे तो 168, अगर इसको अगर इस रूट हटाएंगे तो आएगा 252 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप, तो ये हो जाएगा 252, तो परिमाप हो जाएगा दो कोष्टक लंबाई 252 प्लस चौड़ाई 105, तो ये हो जाएगा 2 × 357 बराबर, 2 × 357 बराबर 714 सेंटीमीटर। आगे देखें स्टूडेंट 14वां क्वेश्चन, रामू और राज की आयु का अनुपात 4:5 है, तो उनकी आयु का योग, तो ये जाएगा 252 बटा 5 और 4 9, 9 × 18 9 × 18 9 8 72, 1:28 बराबर 28 हो गया, तो रामू, राम और राज, तो राम का अनुपात कितना था 4 × 28 4, तो अंतर, अंतर पूछा है तो इसका है 4 इसका है 5, तो अंतर हो गया 1, तो अंतर हो जाएगा 28। आगे देखें स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 512 से बढ़कर 640 हो गया, 512 से बढ़कर कितना हो गया 640, कितना बढ़ गया 512 से बढ़कर 640, तो बढ़ गया 128 बटा 512, 128 बटा 640, 128 बटा 640 इंटू 100, 0 से 0, 64 से दो बार, 20% की कमी कर देनी चाहिए। आगे देखें स्टूडेंट 16वां क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि के दो हिस्सों का अनुपात 6:5 है, यदि पहला हिस्सा 120, दो हिस्सों पहला और दूसरा 6:5 है, अगर पहला हिस्सा 120 बटा 6 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 120, तो कुल राशि हो जाएगी 220। आगे देखें स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन, एक पुस्तक को 2100 का मूल्य अंकित है, वह इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, अंकित मूल्य कितना है 2100, तो 2100 बटा 10% की छूट देने के बाद, तो 10% की छूट ये दे दिया, तो इस पर 100 से 90, 20% का लाभ, तो 120 नीचे और ऊपर आ जाएगा 100, तो ये चला जाएगा इससे 3 बार, ये चला जाएगा 4 बार, 100 से 100, 2163600, 6300 भाग 4, 6300 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4 × 1 = 4, 2 बच गया, 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, 1575 रुपये। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ की संख्याओं का अनुपात 3, ये हो गया पेन, ये पेंसिल 3:2:2 और रबड़,
अनुपात एक है, यदि इनका मूल्य 3:2:2 तो इसका पेन का हो जाएगा 9 रुपया, पेंसिल का हो जाएगा 4 रुपया और रबड़ का हो जाएगा 2 रुपया। तो उस बॉक्स में कुल मूल्य 300, तो इनका मूल्य हो जाएगा 9 और 6 15 20। तो पेनों की संख्या कितनी है, 60। आगे देखिए स्टूडेंट्स, रूट 161 माइनस अक्ष, तो इधर से रूट हट जाएगा तो इधर से भी हट जाएगा, ये हो जाएगा 161 माइनस अक्ष बराबर 110 प्लस 132 में से 11 चला जाएगा रूट 121 161 माइनस अक्ष बराबर 110 प्लस 11, तो 161 माइनस अक्ष बराबर 121, अक्ष बराबर 161 माइनस 121 बराबर 40। आगे देखिए स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, कोई दुकानदार एक वस्तु को 140 में खरीदकर 175 में बेचता है। 140 में खरीदा कॉस्ट प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, 175। 140 में खरीदता है और 175 में बेचता है, 140 में खरीदता है और 175 में बेचता है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 35 का। कितने पे, 140 पे, इंटू 100, 0 से 0, 7 × 14, 7 × 5 35, 2 से 5 बार 25% का लाभ। आगे देखे स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, 650 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर लगी एक सिग्नल को पार करने में 41 सेकंड का समय लेता है। यदि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा 106 सेकंड का समय लेता है तो ट्रेन की लंबाई, तो 650 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना, 106 माइनस 41 सेकंड का समय उसको लेता है, 41 सेकंड का समय और पुल को पार करने में 106, तो ये हो जाएगा 106 माइनस 41 65, तो 650 भाग 65 इंटू सिग्नल को पार करने में कितना 41, तो 650 में 65 का भाग देंगे तो आ जाएगा 10, 10 इंटू 41 बराबर 410 मीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन, एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 है। सरल कीजिए, 146 माइनस 146 माइनस बड़ा कोष्टक 23 इंटू मझला कोष्टक, यह आ जाएगा 5 माइनस कोष्टक, इसमें आ जाएगा 12, 15 में से 12 चला जाएगा तो आ जाएगा 3, 15 में से 12 चला जाएगा तो 3, ये हो जाएगा इधर 146 माइनस 23 इंटू 146 माइनस 23 इंटू 2, 146 माइनस 23 दुना कितना हो जाएगा 46, यह आ जाएगा 100। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।